हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वर्डप्रेस 40 डेज मास्टरी कोर्स के डे वन में। और आज की वीडियो में सीखने वाले हैं वर्डप्रेस के कुछ बेसिक्स के बारे में और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो यहाँ पे आते हैं डे वन में, तो हम लोग सीखेंगे इंस्ट्रक्शन ऑफ वर्डप्रेस एंड इट्स बेनिफिट्स। इससे पहले हम रोड मैप देख चुके थे, तो हम लोग आते हैं आज डे वन में और आपको पीडीएफ ओपन कर देते हैं। इस पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहाँ से आप उसको सिंपली डाउनलोड कर लेंगे। तो आज हम लोग देखने वाले वर्डप्रेस कुछ बेसिक्स के बारे में। वर्डप्रेस इज एन ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। वर्डप्रेस एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जहाँ पे ओपन सोर्स है, जिसपे कोई भी कंट्रीब्यूट कर सकता है और नए फीचर्स और फंक्शनैलिटी ऐड कर सकता है वर्डप्रेस में। और व्हाट इज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम? सिंपली कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम आप ये समझ सकते हैं कि हम किसी इमेजेस, वीडियोस और डेटा को हम ऑनलाइन कैसे मैनेज करते हैं और उसको ऑनलाइन कैसे प्रोवाइड करते हैं ऑल टाइम, तो वो होता है सीएमएस। और चलिए अब देखते हैं कुछ फीचर्स क्या होते हैं वर्डप्रेस के। वर्डप्रेस का पहला फीचर होता है यूजर मैनेजमेंट। वर्डप्रेस में मल्टीपल यूजर क्रिएट कर सकते हैं उनके रोल के बेसिस पे। जैसे हम ब्लॉग के लिए अलग यूजर क्रिएट कर सकते हैं और सॉल्व करनी हो तो उसके लिए कोई अलग यूजर क्रिएट कर सकते हैं, तो मल्टीपल यूजर क्रिएट कर सकते हैं। आपको दिखाते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आके। यहाँ अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड में आ चुके हैं और एकदम बॉटम में देखिए यूजर का आज को ऑप्शन, तो ऑल यूजर्स पे जाते हैं। अभी यहाँ पे सिर्फ एक या दो यूजर्स होंगे मेन वेबसाइट में, तो आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे भी दो यूजर हैं, एक एडमिन सीएम और एक एडमिन रजत। और यहाँ पे दिख सकता हो आपको पोस्ट हमने एक कर रखी है और यहाँ पे जीरो पोस्ट हो रखी है। तो यहाँ पे ऐसा होते हैं यूजर्स, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्या है। और दूसरा फीचर होता है मीडिया मैनेजमेंट। वर्डप्रेस में बहुत ही सिंपली कोई भी फाइल और वीडियो सिंपली अपलोड कर सकते हैं वर्डप्रेस डैशबोर्ड के थ्रू। तो दिखाते हैं अब कैसे होती है। यहाँ पे हम लोग वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ चुके हैं और यहाँ पे दिख रहा होगा पोस्ट नीचे ऑप्शन आता है मीडिया का, तो यहाँ पे हमें जाना है ऐड टू न्यू मीडिया। तो यहाँ पे मीडिया हम कुछ अपलोड करके दिखाते हैं आपको, बहुत ही सिंपल भी होता है। देखिए आप सिलेक्ट फाइल कर लेंगे अपने पीसी से, तो यहाँ पे मैं डिजाइन अपलोड कर लेते हैं, यहाँ से सिलेक्ट कर लिए और यहाँ अपलोड कर देंगे और कुछ ही सेकंडों में आपकी फाइल आपकी वेबसाइट पे वर्डप्रेस के थ्रू अपलोड हो जाएगी। देखिए यहाँ पे टास्क बार आ रहा होगा, 50% हो चुकी है। इसलिए आप कोई भी ऑडियो वीडियो अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को बहुत ही सिंपली तरीके से अपलोड कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते देखते हैं और फीचर्स क्या है। और नेक्स्ट फीचर है थीम सेटिंग। वर्डप्रेस में थीम को इसलिए सेट कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे आएंगे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में तो ऊपरी ऑप्शन आता है अपीयरेंस में और यहाँ थीम पे जाएंगे। अपीयरेंस में आके यहाँ थीम में आ जाएंगे और यहाँ पे थीम में आने के बाद कोई भी टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको अपनी वेबसाइट में यूज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे इतनी सारी थीम आ चुकी है, इसमें बहुत सी पेड होती है, बहुत सी फ्री होती है। फिलहाल अभी हम इस तरह यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप ऐसी तरह बहुत सी थीम यूज कर सकते हैं। और एक्सटेंड विद प्लगइन्स। वर्डप्रेस में बहुत से प्लगइन्स होते हैं जिससे आप मल्टीपल फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने वर्डप्रेस में बहुत से प्लगइन्स ऐड कर रखे हैं, अगर आप कोई भी फंक्शनैलिटी ऐड करनी है तो वो प्लगइन्स के थ्रू ही ऐड होगी। तो दिखाते हैं आप कौन से प्लगइन्स ऐड कर रखे हैं। पहले हमने थीम के लिए इंस्टॉल कर रखा है और दूसरा हमने एलिमेंटर ऐड कर रखा है। तो ऐसे बहुत से प्लगइन्स हमने इंस्टॉल कर रखे हैं। फंक्शनैलिटी ऐड करनी है तो आप प्लगइन्स के थ्रू ही ऐड करेंगे, तो प्लगइन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, अगर आप कोई भी ब्लॉग लिखते हैं या कोई आर्टिकल लिखते हैं अपनी वेबसाइट के लिए, तो उसमें एसईओ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वर्डप्रेस फ्रीली एसईओ प्रोवाइड करती है अपने प्लगइन के थ्रू। आपको दिखाते हैं अपने डैशबोर्ड में, हमने भी एक एसईओ प्लगइन इंस्टॉल कर रखा है। देखिए रैंक मैथ एसईओ आ रहा है, तो आने वाली वीडियो में उसको भी सिखाएंगे रैंक मैथ एसईओ कैसे यूज करते हैं और इसके थ्रू अपने ब्लॉग को कैसे रैंक कर सकते हैं और टॉप पे ला सकते हैं और इसका यूज करके कैसे अपने ब्लॉग में ट्रैफिक ला सकते हैं। देखिए बहुत से फीचर होते हैं इसके एसईओ के, तो इसको आने वाली वीडियो में इसको भी देखेंगे हम लोग। वापस आते हैं और देखते हैं क्या है। नेक्स्ट फीचर इंपोर्टर्स। इंपोर्टर्स के थ्रू हम किसी दूसरे वेबसाइट का पेज अपने वेबसाइट पे इंपोर्ट कर सकते हैं। सिंपली एक फीचर आता है वर्डप्रेस डैशबोर्ड में जाएंगे प्लगइन्स, पहले आपको प्लगइन इंस्टॉल करना होगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का प्लगइन्स में जाके, और फिर यहाँ प्लगइन्स आ जाएगा जिसके बाद अपने वेबसाइट के पेज को एक वेबसाइट से एक्सपोर्ट करेंगे और दूसरे वेबसाइट पर जाके उसको इम्पोर्ट कर लेंगे अपने कंप्यूटर फाइल में जाके। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, इससे आपका टाइम बचेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका ओपन सोर्स एंड फ्रीली अवेलेबल। आपने बहुत से नाम सुनेंगे सी एम एस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा शॉपिफाई का जो बहुत ही पॉपुलर और यूजफुल है, लेकिन वो कुछ $10 to $15 पर मंथ चार्ज करता है जो काफ़ी ज़्यादा है। और इसके कंपेयर देखा जाए वर्डप्रेस फ्रीली है, इसको कोई भी यूज़ कर सकता है जो इसकी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से नए ब्लॉगर और नए स्टार्टअप वर्डप्रेस को यूज़ करते हैं क्योंकि इजी टू यूज़ है और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फ्री है। इसके हमने कुछ फीचर्स देख लिए हैं और अभी आगे भी और भी फीचर है, जैसे सीएसएस फाइल इसको मॉडिफाई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे आप यहाँ पे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आएंगे, जब आप आएंगे तो पेज में जाने के बाद आपको थीम फाइल में जाना होगा।
थीम फाइल में आपकी सारी वेबसाइट की कोडिंग फाइल आ जाएगी, जिसमें आपको कोई भी एडिट करना हो, आपको कोई भी स्टाइल ऐड करनी हो, रिमूव करनी है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। पूरा आपको मिलता है यहाँ पे, कुछ भी ऐड एडिट कर सकते हैं। देखिए सारी कोड वाली फाइल आ चुकी है। जैसे आप फुटर डॉट पी एच पी ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे आप कोई भी फंक्शनलिटी ऐड कर सकते हैं, कोई भी सीसेस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बहुत अच्छा फीचर है, इससे अपनी वेबसाइट बहुत ही अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हैं स्टाइल को। दे आर मैनी प्लग इन एंड टेम्पलेट्स। वर्डप्रेस में बहुत से प्लगइन्स और टेम्पलेट मिलते हैं, जिसको आप यूज़ करके अपना टाइम बचा सकते हैं और अपने वेबसाइट की फंक्शनैलिटी को बहुत ही अच्छे से इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है। और हम लोग नेक्स्ट फीचर आपको देखते हैं, मीडिया फाइल कैन बी अपडेट इजली एंड क्विकली। आपको बता चुके हैं पहले ही, आपको पहले ही बता चुके हैं आप मीडिया फाइल कैसे अपलोड करेंगे। सिंपली मीडिया पर जाएंगे और एड न्यू फाइल करके अपनी फाइल अपलोड कर सकते हैं। ऑफिस को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में। नेक्स्ट फीचर है, इट ऑफर्स सेवरल एसईओ टूल्स एंड मेक योर ऑन साइट एसईओ मैप। आपको पहले ही बता चुके हैं, मैं एसईओ के थ्रू आप अपने ब्लॉग और वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं, जो फ्रीली है और पेड भी है, दोनों यूज़ कर सकते हैं आप जैसा आप चाहें। और कस्टमाइज अकॉर्डिंग योर नीड। और वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के थ्रू आप कुछ भी कस्टमाइज कर सकते हैं, फिर चाहे ब्लॉग हो चाहे पेज हो। और वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के थ्रू अपनी वेबसाइट को पूरी तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा फीचर है, बहुत ही इजी टू यूज़ है। इसको भी आगे भी देखने वाले इन सब फीचर्स को, अभी हमने सब चीज़ें देखी है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या फीचर्स हैं। इट अलाउ क्रिएटिंग डिफरेंट रोल फॉर यूजर फॉर वेबसाइट सच एज एडमिन, ऑथर, एडिटर एंड कॉन्ट्रीब्यूटर। आप अपनी वेबसाइट में मल्टीपल यूजर क्रिएट कर सकते हैं, जैसे आपको वर्डप्रेस डैशबोर्ड में आना होगा इसके लिए, और बॉटम में आने के बाद आपको यहाँ पे यूजर्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपली इस पर क्लिक करना होगा और ऑल यूजर्स पे जाना होगा। यहाँ पे आपके सारे यूजर्स दिखा देंगे, कौन कौन से यूजर भी आपके डैशबोर्ड में है जो एक्सेस कर सकते हैं पासवर्ड के थ्रू। देख सकते हैं यहाँ पे दो यूजर्स हैं, इन दोनों यूजर के नाम भी डिफरेंट हो, पासवर्ड डिफरेंट होंगे, इससे एक्सेस कर सकते हैं इस वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को। और सिंपली आप यहाँ पे नया यूजर क्रिएट कर सकते हैं एड न्यू यूजर पर क्लिक करके। तो ये भी हम लोग देख लिया यूजर कैसे क्रिएट करना है। और वर्डप्रेस कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं तो वो भी हम लोग देखेंगे। वैसे वर्डप्रेस बहुत ही इजी टू यूज है और फ्री है। वैसे तो वर्डप्रेस वेबसाइट के डिसएडवांटेज बहुत कम होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं तो उसको बता देते हैं। इंपॉर्टेंट इसका डिसएडवांटेज होता है प्लगइन्स का। यूजिंग सेवरल प्लगइन्स कैन मेक द वेबसाइट हैवी एंड लोड एंड रन। अगर आप मल्टीपल प्लगइन्स का यूज करते हैं तो आपकी वेबसाइट काफी धीमी हो जाती है। जैसे प्लगइन्स में जाएंगे और इंस्टॉल प्लगइन में जाते हैं और देखते हैं कौन से प्लगइन्स मेरे में इंस्टॉल है। जितने ज़्यादा प्लगइन्स आप इंस्टॉल करेंगे उतनी स्पीड आपकी धीमी होगी वेबसाइट की। तो देखिए आप कुछ प्लगइन्स ने इंस्टॉल कर रखे हैं, ऐसा आप लोग डुप्लीकेट पेज, एलिमेंटर, ये सारे इंपॉर्टेंट प्लगइन्स हैं तो इसको तो इंस्टॉल करना ही था। बाकी जो यूज़ के प्लगइन्स नहीं है उनको आपके वर्डप्रेस के डैशबोर्ड नहीं रखना है, इससे आप क्योंकि इससे आपकी वेबसाइट बहुत धीमी हो सकती है, यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहेगा, तो यूज़र आपकी वेबसाइट ज़्यादा नहीं विजिट करेंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि प्लगइन्स आपको जितना कम हो सके उतना रखना है। और एक प्लगइन्स आता है जिसके थ्रू आप वेबसाइट के लोडिंग टाइम को इंक्रीज कर सकते हैं, तो उसको भी हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। तो हमने ये देख लिया है। और नेक्स्ट डिसएडवांटेज देखते हैं, पीएचपी नॉलेज इज रिक्वायर्ड। और हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इसमें एचटीएमएल सीएसएस फाइल होती है वो पीएचपी फाइल के अंदर ही होती है, जैसे आपको दिखाते हैं। इसकी एक फाइल ओपन कर लेते हैं कोई भी कोडिंग की, थीम फाइल एडिटर में जाके। तो इसमें जो भी एचटीएमएल सीएसएस यूज होती है वो पीएचपी के अंदर ही यूज होती है, तो आपको पीएचपी के कुछ सिंटेक्स होते हैं वो जानना जरूरी होगा, जो हम लोग आगे सीखेंगे और आपको बताएंगे पीएचपी सिंटेक्स क्या होते हैं। तो हम लोग को पीएचपी एडवांस नहीं करनी है, बस पीएचपी का कुछ बेसिक सिंटेक्स जान लेना है, कैसे कैसे हम एचटीएमएल और सीएसएस को पीएचपी में इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं फुटर डॉट पीएचपी का, आपको दिखा भी देते हैं कैसी होती है कोडिंग फाइल। ये सारी कोडिंग फाइल बैकएंड में होती है, हमको फ्रंट एंड में सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है। देखिए फाइल आ चुकी है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा टैग एचटीएमएल टैग है और ये ऊपर दिख रहा होगा क्वेश्चन मार्क पीएचपी, ये पीएचपी का सिंटैक्स है। तो आपको पीएचपी का बेसिक जानना थोड़ा जरूरी होगा, तो आपको आने वाले वीडियो में सिखा देंगे पीएचपी कुछ बेसिक क्या होते हैं। तो अगला देखते हैं डिसएडवांटेज क्या है। सम टाइम सॉफ्टवेयर नीड टू अपडेट। तो आपको ये बात पर ध्यान रखनी है, जो आपके प्लगइन्स होते हैं उसको हमेशा अपडेट ही रखना है, क्योंकि अगर अपडेट नहीं रखेंगे तो आपकी वेबसाइट में कुछ इधर आ सकते हैं और कुछ फंक्शनैलिटी आपकी काम करना बंद कर सकती है। तो इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आपके प्लगइन्स ऑटो अपडेट पे हो और उसको टाइम पे अपडेट करते रहना चाहिए। आपको दिखाते हैं, आपको आज चल के दिखाते हैं कौन से प्लगइन्स हैं और कैसे अपडेट होते हैं। और देखिए यहाँ पे दिखा रहा है देयर इज अ न्यू वर्जन अवेलेबल, तो यहाँ पे सिंपली क्लिक करके आप यहाँ पे न्यू वर्जन को अपडेट कर सकते हैं। तो अभी हम इसको नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है आपको सारे प्लगइन्स हमेशा अप टू डेट रख, जिससे आपकी सारी फंक्शनैलिटी चलती रहे, क्योंकि आपके वर्डप्रेस में जो भी प्लगइन्स होते हैं कोई ना कोई फंक्शनैलिटी ऐड कर रहे होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है आपकी सारी प्लगइन्स अप टू डेट रहे, जिससे आपकी कोई भी फंक्शनैलिटी बंद ना हो। तो आपको ध्यान रखना है आपको सारे प्लगइन्स अपडेट रखने हैं। मॉडिफाइंग एंड फॉर्मेटिंग द ग्राफिक्स इमेजेस एंड टेबल्स इन डिफिकल्ट। और हाँ, ये भी आपको ध्यान रखना है, जब आप आएंगे, देखिए हमने वेबसाइट ओपन कर ली अपनी वाली,
तो जो आपको दिख रहा होगा पीछे बैकग्राउंड इमेज, ये बैनर इमेज है। तो आप जब भी इसको ऐड रिमूव करते हैं तो कुछ इधर आ सकती है। तो उसको हम सॉल्व करेंगे कैसे, जब आप बैनर इमेज इंसर्ट करते हैं और रिमूव करते हैं तो कुछ ग्राफिक्स इधर आती है। तो हम लोग भी उसको आने वाली वीडियो में देखेंगे कैसे उसको सॉल्व करते हैं और कैसे बैनर इमेज सेट करते हैं। इस तरह हम सारे एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और बेसिक फीचर्स देख लिए हैं, और इस तरह हम लोग का डे 1 पूरा हो चुका है। और कल डे 2 हम लोग सीखेंगे वर्डप्रेस होस्टिंग और डोमेन कैसे सेटअप करते हैं। इस तरह हम लोग का डे 1 पूरा हो चुका है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम लोग डोमेन और होस्टिंग कैसे सेटअप करेंगे। तो कल डे 2 हम लोग सीखेंगे होस्टिंग और डोमेन कैसे सेटअप करेंगे। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आएगी वेबसाइट से रिलेटेड, तो यहाँ पर मेरा व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा होगा, आप सिंपली इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी इंक्वायरी दे सकते हैं आपको कोई भी दिक्कत आ रही होगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कहीं पे एंड करते हैं। और वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे कल डे 2 में।